अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। आप ऊपर देख सकते हैं आज लिस्टिंग ऑन OKX एक्सचेंज, ठीक है, कितनी खुशी की बात है। और याद रहे आपको एक चीज़ मैं मेंशन करवा देता हूँ, ये जो 19 डेट है ना, हमारे लिए बहुत ही ये ना एक कारामद डेट है, बहुत ही ना फ़ायदेमंद साबित होती है। क्योंकि अगर आपको याद हो नहीं भी या तो मैं याद करवा देता हूँ, अवाइव जो ऐप थी वो भी 19 दिसंबर को लिस्ट हुई थी, और इसी तरह जो आइस नेटवर्क है वो भी 19 जनवरी को लिस्ट होने जा रही है सेम OKX एक्सचेंज के ऊपर। अब जो अपडेट आई है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी आ चुका है, अब आपने कैसे उसको ऐड करना है और अगर हमने उसको चेंज करना है तो किस तरह करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बता दूंगा। काइंडली सारा देख के ध्यान से कर लीजिएगा। आइस नेटवर्क हमें बहुत प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह से, अगर थोड़ी सी भी इसकी कीमत आ जाती है ना, अगर तो इसकी कीमत अवाइव जितनी आ गई, मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ से हम लाखों कमाएंगे। क्योंकि इसकी जो हमारे पास कॉइंस की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक नॉर्मल यूज़र के पास भी 50,000 इतने इतने कॉइंस मौजूद हैं। क्योंकि आप लोगों को मैंने सबसे पहले ज्वाइन करवाया था, जिन लोगों ने ज्वाइन किया था कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके अकॉर्डिंग क्या प्राइस हो सकती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपके ख्याल में इसकी कितनी प्राइस होने जा रही है, ठीक है, जो आपको लगता है कि इतनी हो सकती है। आपके सामने ये मेरे कॉइंस हैं, ठीक है। अब जो काम है हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने जी OKX एक्सचेंज का अकाउंट बना लेना है, बहुत से यूजर्स के पास ऑलरेडी होगा, लेकिन जो न्यू है, जिनके पास नहीं है, आपने यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है कि OKX एक्सचेंज का अकाउंट किस तरह बनता है, हाउ टू क्रिएट OKX एक्सचेंज, ठीक है। अकाउंट बना लेना है और उसको वेरीफाइड करना है, वेरीफाइड लाजमी करना है, उसकी वेरीफिकेशन करनी है आईडी कार्ड से, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं OKX एक्सचेंज में, ठीक है, मैं वहां पर आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। हम OKX एक्सचेंज में आ गए, ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसको ओपन कर लेता हूँ। ऊपर देखें यहाँ पे गौर से, काइंडली ये चीज देख लें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलेट और यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज, ठीक है, ये गलती नहीं करनी, आपने एक्सचेंज को सिलेक्ट करना है जो ऑलरेडी एक्सचेंज है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें ना लेफ्ट साइड कॉर्नर में, तो यहाँ पे लिखा है वेरीफाइड, ठीक है, आपका यहाँ पे वेरीफाइड होना चाहिए, आपने वेरीफिकेशन कर लेनी है। अभी 4 दिन है, 19 को ये लिस्ट होने जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमने करना है कि आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है, ये वाला, ठीक है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे सामने ये चीज़ आ जाएगी, सर्च बार के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है, फिर मैंने यहाँ पे आइस को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने तो ऑलरेडी सर्च किया है लेकिन मैं आपके सामने लिख देता हूँ ICE, ठीक है, सिंपल यहाँ पर आ चुका है ये आइस, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, अब नीचे आ गया है ICE/, ठीक है, ये BSE, ठीक है, इसके ऊपर ही आ रहा है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे सामने मेरा आ चुका है डिपॉजिट एड्रेस। अब ये डिपॉजिट एड्रेस को क्या करना है, ठीक है, हमने ये गलती की थी अवाइव में, ठीक है, कि हमने वहाँ पे अपना एड्रेस जो है ना वो अपडेट नहीं किया था। अगर हम मेटामास्क में अपने कॉइन मंगवाते हैं तो हमें मेटामास्क से जब हम सेंड करेंगे, जब हमने कॉइन्स बेचने हैं, सेल करने हैं, हम OKX एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमें गैस फी देनी पड़ेगी, ठीक है, वो अलग से हमारा जितना भी 500,000 या जितना भी खर्चा हो वो अलग से होगा, ठीक है। सो उससे हमने बचना है, ठीक है, हमने डायरेक्ट डिपॉजिट एड्रेस ही इस एक्सचेंज से देना है, हमें कॉइन्स यहाँ पर जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे आइस की तरफ से, ठीक है, तो हमारी गैस फी बच जाएगी। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको क्या कर लेता हूँ जी, कॉपी यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने कर लिया कॉपी। अब हमने क्या करना है, हमने बैक चले जाना है जी अपने आइस नेटवर्क में। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके करना है थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करना है। ये ऑलरेडी एक एड्रेस लगाया था, ये मेटामास्क से लगवाया था, मैंने ही लगवाया था, ठीक है, लेकिन अब हमने इसको अपडेट कर लेना है क्योंकि हमने गैस फीस नहीं देनी, इस बात को नोट कर लें, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इस ड्रेस को मैंने यहाँ से कर देना है रिमूव, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इसको जो है ना वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जो अभी डिपॉजिट एड्रेस जो है कॉपी किया, मैंने उसको यहाँ पर कर दिया है पेस्ट। अब मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा कन्फर्म एड्रेस, कन्फर्म, ठीक है। अब ये आपके सामने देखना है, ये लोडिंग हो रही है, ठीक है, ये मेरा एड्रेस जो है वो अपडेटेड हो चुका है, BSE जो है ना वो बिना स्मार्ट चेन एड्रेस OKX से, ठीक है, आ चुका है। आइस का जो डिपॉजिट एड्रेस है वो मैंने डाल दिया, सिंपल, ठीक है। अब जिन लोगों ने मेटामास्क में, अब बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं वो बंगाली हैं, वहां जो है ना वो चलता नहीं है ये OKX एक्सचेंज, ठीक है, बंगाल में, नेपाल में, आई थिंक सो, और आई थिंक सो अब तो इंडिया में भी बैन हो चुका है, वो मेटामास्क में सिंपल ले सकते हैं। मेटामास्क में क्या करना है वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। जी हाँ, तो जो है बंगाली, नेपाली, इंडियन ये यूजर्स हैं, यहाँ पे OKX एक्सचेंज नहीं चलती, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, ठीक है, इवन के अगर आपका कोई पाकिस्तानी
का भी कोई इशू है ठीक है एक्सचेंज में, लेकिन होना नहीं चाहिए ना होगा। तो आपने अगर मेटामास्क में लेना चाह रहे हैं ठीक है, आप मेटामास्क, इसका भी मैं कुछ आपको थोड़ा सा एंड पे फायदा बताऊंगा, पहले आपको मैं काम करवा लूँ, टाइम ना वेस्ट हो, एंड पे कुछ चीज़ें और बताऊंगा, वो लाजमी सुन के जाइएगा ठीक है। अब हम चलते हैं सिंपल इसके ट्विटर के ऊपर ठीक है, ये मैंने इसकी पोस्ट निकाली हुई है, ये इसका ऑफिशियल ट्विटर है ठीक है, आइस डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर, तो ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं लिस्टिंग अलर्ट ठीक है, गेट लिस्टेड एक्सक्लूसिव ऑन ओकेक्स ठीक है, आइस जो है ना ये आ रहा है, डिपॉजिट ओपन हो रही है 10 AM 19 January को, कितनी मज़े की मैं कहता हूँ अमेजिंग ये न्यूज़ है। अब यहाँ पे क्या करना है जी, डिस्ट्रीब्यूशन इज शेड्यूल टू स्टार्ट दिस वीक ऑन 17 January बाय द एंड ऑफ द डे ठीक है, आपको 17 January को यानी कि बुध वाले दिन शाम को ठीक है ना डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, हम सबको हमारे कोइंस मिल जाएंगे, पता चल जाएगा कि 10% हमें कितने रिसीव हुए हैं। मैं कहता हूँ कि अमेजिंग सरप्राइज दिया है ये आइस वालों ने ठीक है ना, हमें पता चल जाएगा कि जी हमारे इतने कोइंस हैं ठीक है, उस हिसाब से फिर हम अपने कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे ठीक है। प्राइस का आपने लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपके अकॉर्डिंग क्या है ठीक है। हम बात जो करने लगे थे अब करते हैं वो कि आप लोगों ने मेटामास्क में किस तरह कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड करना है, BSC कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये सामने है ठीक है, मैं यहाँ पे एड्रेस जस्ट इस तरह कर लेता हूँ कॉपी, इस तरह कॉपी कर लेना है ठीक है, तो बाद में बाकी अपडेट की बात करते हैं, पहले मैं ये दिखा दूँ ठीक है। हमने मेटामास्क को ओपन कर लेना है ठीक है, मैं यहाँ पे अपने मेटामास्क को ओपन कर लेता हूँ ठीक है। अब मेरा मेटामास्क यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो आगे सामने जो है ना वो BNB का नेटवर्क ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाला एड्रेस दिया था। अब यहाँ पे सिंपल हमने वो आइस को किस तरह ऐड करना, इम्पोर्ट टोकन ठीक है, ये लिखा नज़र आ रहा है इम्पोर्ट टोकन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कस्टम टोकन ठीक है, कस्टम के आगे ऊपर हमने यहाँ पे डाल देना है जी टोकन एड्रेस, इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट, ये यहाँ पे देखें नीचे खुद ब खुद ही आ चुका है ठीक है, आइस टोकन डेसिमल 18 यहाँ पे इम्पोर्ट कर देना है, तो जो है ना वो वहाँ पे आइस जो है वो ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर देता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे रिसीव नहीं करने, मैंने ऐसे ही आपको कर दिया, ये देखें आइस साथ में BNB का लोगो, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है, मैंने ऐड कर दिया, लेकिन ये है कि मैंने तो डिपॉजिट एड्रेस OKX एक्सचेंज से डाला, मैं वहाँ पे रिसीव करूँगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं OKX में सेल करने के लिए ट्रांसफर करूँ तो मुझे जो है ना वो फी देनी पड़ेगी, वो हमने नहीं देनी, तो हमने बिल्कुल फ्री में वहाँ पर रिसीव करके वहाँ पर फौरी जो है ना वो सेल करने होल्ड करने। नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगा सारा मार्केट की सिचुएशन देख के, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले उस हिसाब से बताऊँगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके ठीक है जल्दी से जल्दी। अब यहाँ पे देखें मेटामास्क में से जो है ना, अगर तो हमें लगा कि यार हमें कोइंस ना होल्ड करने हैं ठीक है, अगर हमें लगा तो, लेकिन हम जो मोस्टली कोशिश करेंगे जो पहले 10% मिलेंगे वो सेल कर देने हैं, मैं भी अपने सारे सेल करूंगा, क्योंकि हमें 90% बाद में भी मिलने हैं, उसमें से अगर रखने हुए तो रख लेंगे प्राइस को देख के, पहले 10% जो है ना वो 99% मेरे यही चांसेस हैं कि सारे सेल कर देने हैं ठीक है। बाकी फिर भी मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा डिटेल से कैसे कैसे सेल कैसे होते हैं और क्या क्या करना है काम ठीक है। तो अगर होल्ड करने हैं तो मेटामास्क का जो वॉलेट है ना वो एक्सचेंज, देखें सारी रिस्क पे होती हैं, हम एक्सचेंज के ऊपर कभी भी अपने एसेट्स को ज़्यादा देर के लिए लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते, कोई पता नहीं कब प्रोग्राम बढ़ जाए ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मेटामास्क में हम अपने कोइंस को होल्ड कर सकते हैं ठीक है। अवाइव को मैंने अभी तक होल्ड किया, वो पड़े हैं कोई मसला नहीं है, वो मेटामास्क में पड़े हैं ठीक है, अगर वहाँ पे होते मे भी मैं सेल कर चुका होता, लेकिन अभी मेरे पास हैं तो यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। मेटामास्क जो है वो ठीक होता है, बस आपके पासफ्रेस पासवर्ड ना जाए, लेकिन एक्सचेंज पे कभी भी जो है ना वो प्रोग्राम बढ़ सकता है, ये क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो भी चुका है, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ठीक है। तो हमने वहाँ पे फौरन अपने सेल करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कैसे ऐड करना है ये भी पता चल गया, डिपॉजिट एड्रेस कौन सा डालना वो भी मैंने शुरू में बता दिया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रैक्टिकली वो भी आपको समझ आ गई है ठीक है। ये चीज़ें अब भी ये देखें कितनी मतलब मज़े की, आप लोगों को आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए सारे रियल दिए हैं ठीक है। सिद्रा चेन दिया, उसके भी वो PTP स्टार्ट हो गई है, वो भी जल्दी बताऊँगा। अवाइव दिया, वहाँ से प्रॉफिट कमाया, आइस दिया, इससे प्रॉफिट। अथीन नेटवर्क के ऊपर मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल आने वाला है ठीक है, वो भी आपको कल तक वो भी इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा चैनल के ऊपर, आप वो प्रोजेक्ट को लाजमी ज्वाइन करें। और बाइंग सेलिंग के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लाजमी ज्वाइन करें, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ठीक है। और बहुत सारे इस तरह की फ्री क्रिप्टो माइनिंग ऐप्स एंड ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड के लिए आप जो है ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके साथ शेयर हो ठीक है। आज वाली वीडियो में बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, दो में याद रखेगा, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।